भगवान श्री राम जब गंगा के तट पर पहुंचे और उसी समय केवट समझ गया, आज भगवान श्री राम हमारे सम्मुख हैं, और उसी समय कहने लगा, अरे रे मेरी नाब काट की कैसी बिठा लूं मेरे राम, प्रभु आपको पता है ये नाव मेरे काट की है। हाँ मंत्री से तो देखा है केवट
कहने लगा, भैया प्रभु अपने चरण दलवा लो। तो आज केवट कठौता लेकर के आया और भगवान के चरणों को धुलने लगा और अपने समस्त परिवार को बुला करके लाया। और सुखवीर भैया परिवार की तो छोड़ो, मोहल्ला वाले लोगों को ले आए, चलो भगवान श्री राम के चरण धो लो, जो आज जन्म जन्मांतर तक के पाप हाल हम सबके कट जाएंगे। तो उसी समय आज देखा है अपने परिवार और मोहल्ले को लेकर के आया और भगवान के चरण धुला करके, और महाराज उसी समय आज भगवान श्री राम तीनों प्राणियों को नाव में बैठा लिया है। भगवान श्री राम नाव में बैठे हैं तो सोच रहे हैं धीरे धीरे चलेंगे तो ना देर तो लग जाए। हाँ आज बड़े सौभाग्य है कि आज भगवान मेरी नाव में बैठे हैं। नाव को रो धीरे से चलाई। हाँ भजन को रो है प्रभु के गाई। भगवान श्री राम के भजनों को गुनगुना रहा है केवट और धीरे धीरे नाव को चला रहा है बड़ी मस्ती में। उसी समय क्या हुआ, नाव डगमग हुई जावे। उसी समय नाव डगमग हो गई, केवट का ध्यान भगवान की भक्ति में चला गया। सवाल लगता है क्या मझदार में डुबाएगा, क्या मैया का वचन इसी गंगा के तट पर पूरा करेगा। उसी समय भगवान श्री राम कहने लगे, और मजीरा पर झनकार दे।